जैसे प्रेशर की बात आपने की, इस बार तो प्राइम मिनिस्टर ने बोलकर भेजा था आप सबको, उस समय तो लगा सबको कि ऐसा ना हो कि और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाए। बिल्कुल यही सोच के लास्ट बाउट में मैंने टेप भी नहीं करवाई। मैंने यही बोला था कि अगर भाई इंजरी बढ़ती है। हाँ, वो क्या था ये, अगर आप अपने ओलंपिक जर्नी इस बार के लिए जा पाए कि वो आखिरी में आपके पैर से टेप भी गायब था, लेकिन ऐसा लग रहा था एक चीता उतर आया है वहां पर मैट। बिल्कुल, देखिए पहले दिन मेरे मूवमेंट बिल्कुल खत्म थे हाँ क्योंकि 25 दिन से मैंने मैट नहीं किया था, और ऊपर से वेट लॉस करना, तो वो चीजें मैंने डॉक्टर से बोला भी। डॉक्टर बोले भाई ज्यादा रिस्क हो जाएगा क्योंकि आगे भी बाउट खेलनी है तो आपको टेप और निकअप तो लगाना ही पड़ेगा। तो वो चीजें मैं पहले दिन इसलिए नहीं हटा पाया। तो अगले दिन लास्ट बाउट थी, मेडल की बाउट थी, मैंने यही बोला कि भाई मैं आज टेप नहीं करूंगा, नहीं मैं निकअप डालूंगा क्योंकि मैंने कभी नहीं डाला है, पहली बार था लाइफ में मेरे लिए, सब कुछ नया था ये, क्योंकि ऐसी कभी इंजरी हुई नहीं कि भाई कंपटीशन से पहले कभी इंजरी हुई हो और ऐसे मैंने कभी बाउट खेली हो। तो वही चीजें थी, मैं बोला आज मैं ना तो टेप लगाऊंगा ना मैं निकअप पहनूंगा। डॉक्टर बोले टेप टेप लगा लो, अगर निकअप मत डालना, मगर ज्यादा से ज्यादा सर्जरी हो सकती है, पैर टूट सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मतलब पैर टूट सकता है आपसे कहा गया, लेकिन आपने कहा कि मैं हटा लूंगा नहीं, क्योंकि मैंने मैं। बोला कि पैर टूट जाएगा, जाके हाँ, सर्जरी करवा लेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, मेडल जरूरी है अभी फिलहाल। देश के लिए मेडल दिख रहा था आपको उस समय बस। वही चीजें थी जो मतलब एक भाई मुझे मेडल चाहिए क्योंकि मेडल जीतेंगे तो पूरी जिंदगी हमारी सफल होगी, मेहनत कि आपका भाई कोई हमें। इंस्पिरेशन है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर आप प्रेरणा लेते हो? देखिए बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे हमारे मिल्खा जी थे, अभी हमारे बीच नहीं रहे, उनसे मैं मिला, काफी मतलब कुछ सीखने को मिला, मुझे नहीं पता था वो मेरे को जानते हैं, मैं एक अवार्ड फंक्शन में मिला, उन्होंने जाते मैंने उनके पैर छुए, बोला पूनिया साहब कैसे हो आप, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा अंदर से कि भाई इतने बड़े खिलाड़ी इतने पुराने और वो अभी भी स्पोर्ट्समैनों को, जो नए स्पोर्ट्समैन हम नहीं जानते थे कि भाई वो हमें जानते हो, कभी सोचा भी नहीं था। पीटी उषा जी हैं, जब भी हम मिले उनसे कुछ हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। तो वो नए खिलाड़ी हैं जो अवार्ड फंक्शन होते हैं उनमें हमें यही फायदा होता है कि सभी खिलाड़ी एक साथ इकट्ठे होते हैं, चाहे वो पुराने हैं या नए हैं, तो हर खिलाड़ी का अनुभव हम लेते हैं, उससे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, हर आदमी की अलग अलग जर्नी होती है। आपके लिए तो बजरंग एक सीनियर भी है एक खिलाड़ी के तौर पर, मतलब वो आपको कुश्ती के टिप्स देते हैं या मतलब नहीं आप। नहीं बिल्कुल, क्योंकि मोस्टली बात हमारे साथ रेसलिंग से जुड़ी होती है, क्योंकि हम अभी मतलब दोनों अलग अलग ट्रेनिंग करते हैं, तो मैं मतलब इनको मतलब ट्रेनिंग की मतलब हमारी जब बाउट होती है मोस्टली मैं वीडियो बना के इनके पास भेजती हूँ, तो बताते हैं कि मतलब क्या कमी है क्या नहीं, हम ऐसे करते हैं क्योंकि इतने, क्योंकि अब मैं एक वाइफ हूँ एज ए वाइफ और एज ए रेसलर, मतलब इनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जो कॉन्फिडेंस जो बाउट के टाइम लेके आना होता है या कोई भी टेक्निक या कुछ भी, तो सब मतलब बताते हैं अच्छा, जी। और जब उस ब्रॉन्ज मेडल मैच से पहले आपको पता था कि वो टेप हटा रहे हैं और किस तरह का खतरा हो सकता है? क्योंकि मेरी जब ये सेमीफाइनल से लूज करके आए तो मैं मतलब बहुत बहुत बिल्कुल मतलब ये था कि अब क्या हुआ आगे पता नहीं, मतलब बिल्कुल मैंने अपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, तो सभी के घर वालों को मतलब फोन भी आ रहे थे, मैंने किसी का फोन नहीं उठाया कि मैंने बस फोन बंद कर, लेकिन जब मुझे ये आए तब इनका फोन आया, तो मैंने पूछा मतलब क्या हुआ कि ऐसी बाउट क्यों, तो मतलब ये मुझे ये था कि मतलब नी में इंजरी है, लेकिन वो जो अपोनेंट था हाजी अली अजरबैजान, वो बार बार कॉस्ट्यूम में बोला कि कॉस्ट्यूम में आ डाला है, इन्होंने बोला कि, मैंने कोच को भी बोला रेफरी ने भी बोला, लेकिन कोई उन्हें उसका सिर्फ ये था कि आप माइंड, क्योंकि एक इतना फोकस से हम इतने बिल्कुल थोड़ी सी भी गलती होती है तो उससे वो हम ये नहीं करना चाहते, लेकिन वो बार बार कॉस्ट्यूम में आ जाता तो हमारा इसका माइंड बोला कि मेरा माइंड वहीं पे जा रहा था, कि मैं अटैक करने को जाता तो कॉस्ट्यूम में आ डाल लेता, तो उससे माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा था, और नींद की वजह से भी, तो इसने मुझे खुद मोटिवेशन दिया कि कोई नहीं अभी ब्रॉन्ज का है और अगर देखते हैं ब्रॉन्ज के लिए माइंड सेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और मेहनत करेंगे, नेक्स्ट टाइम अपना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये था। और फिर जब अगले दिन बाउट का टाइम आया तो ये बोला कि मैं टेप वगैरह कुछ नहीं करा, मैंने पेन किलर ले लिया है, अब जो होगा देखा जाएगा, नहीं टूटता है तो टूटने दे, अभी मैंने भी बोला था कि अभी तो 6 मिनट बस लड़ना है चाहे जो भी हो।